कोई बात नहीं है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पीएम मोदी के निशाने में कांग्रेस फिर बनी हुई है। जी हां, संसद भवन में जब कांग्रेस को लेकर मुसलमानों को लेकर दिए गए बयानों को एक बार फिर से याद कराते हुए कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों की गलत सोच को लेकर सामने लाते हुए पीएम मोदी ने जहां तंज कसा कांग्रेस पार्टी पर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी निशाने पर आए, तो दूसरी ही तरफ पीएम मोदी के लिए ताकतवर कांग्रेस पार्टी के वो नेता बने जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल को लेकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। एक ऐसा भी नाम है जिसकी 5 बार ने कांग्रेस के खिलाफ, राहुल सोनिया के खिलाफ उन्हें हार का सामना करने के लिए मजबूर किया है, झुकाया है विपक्षियों के सामने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज इस खास प्रोग्राम में एक ऐसे नेता के बारे में जिसने खुलकर बात की। हम बात कर रहे हैं कैसे नेता के बारे में जो कि कांग्रेस के नेता होने के बावजूद जिस तेजी से पलटवार करने में आगे आता है उतनी ही तेजी से कांग्रेस के लिए कमजोरी भी बन जाता है। हम बात कर रहे हैं अधीर रंजन के बारे में जिनके 5 बड़े बार कांग्रेस के खिलाफ पीएम मोदी के लिए हथियार बनकर सामने। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी कि कभी कभी एक कमजोर कड़ी विपक्षी के लिए मजबूत कड़ी बन जाता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है और इसको सबूत के साथ हम आपके बीच पेश करने वाले हैं। अधीर रंजन के बारे में संसद में किस तरह से एक दूसरे पर तंज कसना अक्सर बना रहता है, लेकिन जब तंज कसते हुए भूल हो जाती है खुद से तो इस भूल पर माफी नहीं मिलती बल्कि पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी को सजा भुगतनी पड़ जाती है, नुकसान भुगतनी पड़ जाती है। इसका उदाहरण अधीर रंजन के वो बयान बने जिसकी कांग्रेस ने उम्मीद शायद ना की हो। हम आपको बताना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तमाम नेताओं के बोल ऐसे भी सामने आए जिसकी वजह से राहुल पहले से ही परेशान थे। इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने मनाने की कोशिश की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का लगातार पंजाब में परेशानी खड़े करना, कमलनाथ का मध्य प्रदेश में परेशानी खड़ा करना काफी ज्यादा परेशानी का सबब बना। तब अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से कांग्रेस के 52 सांसदों पर सवाल उठे थे, हम आपको बताना चाहेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वो कभी गिरती नहीं, पूरी दुबली पतली जरूर हो सकती है, लेकिन 52 सांसद के बारे में अधीर रंजन का कहना था कि हालत दुबली जरूर है लेकिन ऊंचाई कम नहीं हुई। पीएम मोदी के तंज कसने पर अधीर रंजन ने बयान दिए थे जब पीएम मोदी ने ये कहा था कि कांग्रेस इतनी ऊंचाई पर क्यों है, वो जमीन पर क्यों नहीं देखती है, तो उन्होंने आगे जाकर ये भी बयान दिया पलटवार करने की कोशिश में कि संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने का जो कारण था पीएम मोदी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को निशाना साधने का एक बहाना था। जी हाँ, इस पर संसद में पीएम मोदी को लेकर जिस तरह से संसद में सामने आई बातें कि उसी अधीर रंजन चौधरी के बयानों को पीएम मोदी ने अपने बयानों के जरिए कांग्रेस को गिराने की कोशिश की, यानी कि अधीर रंजन चौधरी अगर ऊंचाई की बात न करते तो पीएम मोदी इस तरह से उसे हथियार न बनाते। सदन में कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई कमी नहीं कर सकता है, ऐसी गलती हम नहीं करते, हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, हम अपनी लकीर लंबी करने में जीवन खपा देते हैं, ये पीएम ने कहा था अधीर रंजन के बयान के बाद। अब कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने जिस तरह से बयान दिए इस पर जवाब नहीं आना कहीं ना कहीं कारण बना राहुल और सोनिया का, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर उनका परेशानी में डूबे रहना जिसकी वजह से उन्हें चुप रहना पड़ा। सोनिया गांधी खुद ही अपने बेटे राहुल गांधी की वजह से फिलहाल इतनी परेशान है कि उन्हें कांग्रेस के बाकी नेताओं के वो शायद सुनाई नहीं दे रहे हैं जो कि कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी बनकर सामने आ रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी का ही कांग्रेस के खिलाफ होकर अध्यक्ष पद को छोड़ने का बयान फिर दे देना और फिर से फिर यही कहना कि पार्टी को उन्होंने कह दिया है कि वो इस पद पर नहीं रहेंगे, सोनिया को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या होगा अब कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पर राजनीति किस तरह से बदलेगी जब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी नहीं बैठेंगे, देखना होगा आने वाले समय में। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, लौटेंगे जल्द SBN 9 न्यूज के अगले कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।